हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जब कोई आपका दिल दुखाए तो आपको क्या करना चाहिए, इसी टॉपिक पे आज मैं अपनी वीडियो में आप सबको समझाऊंगी। प्लीज़ आप सब लास्ट तक मेरी वीडियो को सुनिएगा, और आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, सपोज़ करिए कि आपने वाइट कलर के मोज़े पहने हैं और कोई आपसे कहे कि तुमने ये दो रंग के मोज़े क्यों पहने हैं, तो आप सबसे पहले अपने मोज़ों को देखेंगे और कहेंगे कि मैंने तो सही पहने हैं। फिर वो आपसे कहेगा कि नहीं, तुमने गलत मोज़े पहने, एक वाइट और एक ब्लैक पहने हो, कितने ख़राब लग रहे हो, कितने बुरे लग रहे हो। तो आप उनसे यही कहेंगे कि मैंने तो मोज़े सही पहन रखे हैं, क्या मजाक है तुम्हारा। आप उनकी बात से हैरान ज़रूर होंगे पर गुस्सा नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने सही रंग के मोज़े पहने हैं, प्रॉब्लम सामने वाले के देखने में है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ इस छोटे से एग्जांपल को दे करके। कोई भी इंसान आपको गलत सोचता है, कोई गलत कमेंट्स करता है, उसका फ़र्क आपको तब तक नहीं पड़ता जब तक आप खुद को गलत नहीं समझते हैं। लोग आपको गलत कहें या आपके बारे में बुरा भला बोलें, हम गलत तभी होते हैं जब हम खुद को गलत समझते हैं। जब आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, आप तभी दूसरों से हर्ट होंगे। आपके बारे में कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, बुरा भला आपको कहे, गंदे गंदे कमेंट्स पास करे, कितना भी दिल दुखाना चाहे, पर आप उनकी सारी बातों को इग्नोर कर दीजिए, दिल पे मत लीजिए। फ्रेंड्स, लोग जो खुश नहीं रहना चाहते अपनी लाइफ में, वही आपको खुश कभी नहीं देख सकते। इसलिए जिसे जो कहना है कहने दें, खुद की खुशियों को दूसरे के लिए ना गंवाएं। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं। बाय।